बॉलीवुड इंडस्ट्री में पॉपुलैरिटी खरीदी जा सकती है? वेल, लेटेस्ट जो भी खबर आ रही है उससे तो यही लगता है कि आपके पास टैलेंट हो या ना हो वो चलेगा, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत पॉपुलर बन सकते हो। ऐसा ही कुछ हुआ है रैपर बादशाह के केस में। नो डाउट रैपर बादशाह की बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। हनी सिंह की तरह आज बादशाह का नाम बॉलीवुड की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। अक्सर फिल्मों में आजकल बादशाह के गाने लिए जाते हैं ताकि वो फिल्में वैसे ही पॉपुलर हो जाए, लेकिन अब बादशाह को लेकर जो खबर आ रही है वो वाकई में चौंका देने वाली है। बादशाह ने अपने एक गाने के लिए 72 लाख रुपए पे किए सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उस गाने को 24 घंटों में सबसे ज्यादा व्यूज मिले और ये गाना रिकॉर्ड बना दे, सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाला गाना बन जाए। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने पिछले दिनों एक स्कैम पकड़ा जिसमें कुछ कंपनीज है जो कि इन सेलिब्रिटीज के व्यूज फॉलोअर्स पैसे लेकर बढ़ाती है, जिसे फेक और बॉट व्यूज कहा जाता है, जो कि कोई भी खरीद सकता है। इस स्कैम में कई बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटीज का नाम आ रहा है जिसमें से एक है रैपर बादशाह। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को ये पता चला है कि रैपर बादशाह ने अपने गाने ये लड़की पागल है पागल है इस गाने के लिए बादशाह ने 72 लाख रुपए दिए थे, जिसके लिए उन्हें 7.2 करोड़ व्यूज मिले थे इस गाने के। सोर्सेज से पता चला है कि क्राइम ब्रांच अथॉरिटी ने ये बात बताई है कि रैपर बादशाह इस बात को कन्फेस कर चुके हैं कि उन्होंने अपने इस गाने को 24 घंटे में सबसे ज्यादा व्यूज दिलाने के लिए और एक रिकॉर्ड बनाने के लिए 72 लाख जितना बड़ा अमाउंट पे किया था। इस मामले में बादशाह से 10 घंटे लंबी बातचीत चली। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने 10 घंटों तक बादशाह से सवाल जवाब किए। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो बादशाह ने इस पूरे मामले से अपने आप को दूर बताया है और कहा है कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है, वो ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। ये स्कैम पकड़ में आया तब जब भूमि त्रिवेदी जो प्लेबैक सिंगर है उनके नाम का किसी ने फेक अकाउंट बनाया और उसके बाद लोगों को ठगना शुरू कर दिया फॉलोअर्स और व्यूज के नाम पर। और ऐसे में बहुत बड़े सेलिब्रिटीज है जिनकी लिस्ट क्राइम ब्रांच ने बनाई है और कहा है कि इन लोगों 40-50% जो फॉलोवर्स हैं वो सभी फेक है। तो कुछ इस तरह से सोशल मीडिया पर जो सेलिब्रिटीज बताते हैं कि हम इतने पॉपुलर हैं, इतने बड़े हैं, वो आधे से ज्यादा फेक होते हैं।